चोराग दीन जोगे इंस्पायर बाय तरुण गिल। डाइट में क्या लिया गुरु जी आप बताओ जाते ही साइज गेन करना है बम बनानी है एकदम बता दे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश, स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। आज तारीख है 16 दिसंबर 2022 और काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं किया था, आज ही ब्लॉग स्टार्ट किया है। अभी जस्ट उठा था अभी 7 बजे सुबह के और मैंने जस्ट अपनी कॉफ़ी ख़त्म की, ये कॉफ़ी का कप रखा है और अभी बस थोड़ा सा पढ़ रहा था जस्ट ऐसे ही, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। जिम का टाइमिंग मैंने अभी अपना चेंज कर दिया है, जिम में अभी मैं सुबह नहीं जाता, शाम में भी मैं भी नहीं जा पाऊँगा। अब मैं जिम में जब जाऊँगा आपको दिखा दूँगा। और आपको बस यही बताना था कि काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं किया है तो व्लॉग फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक नई जर्नी स्टार्ट की है, एक नया काम भी स्टार्ट किया है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हुई हैं लाइफ में, वो सभी आपके साथ मैं शेयर करूँगा अभी। और चलो मिलते हैं फिर अभी आपको अगले शॉट में। और आज हाँ, मेरे को अपने बाल भी ट्रिम करवाने हैं, बियर्ड भी ट्रिम करवानी है, एक बार तो मन कर रहा है मैं गंजा हो जाऊँ आज। चलो देखते हैं, वो तो भाई अब बार्बर के जाकर पता ही लगेगा, जो बार्बर की शॉप है अब ना वहीं पे जाके पता लगेगा सलून में क्या करवाना है यार, क्यों करवाना है, करवाना भी है या नहीं करवाना है। हालांकि हाँ, बियर्ड तो ट्रिम करवानी पड़ेगी क्योंकि देखो यहाँ पे काफ़ी बड़ी और यहाँ पे मैंने मेरी बियर्ड काफ़ी हार्ड आती है, सॉफ्ट बियर्ड नहीं है, मैं लंबी कर लूँ, काफ़ी हार्ड बियर्ड आती है जिसकी वजह से यहाँ पे ना इचिंग स्टार्ट हो जाती है पूरे इस एरिए में। तो ये तो मेरे को करवानी है, हेयर्स का देखूंगा अभी, मैं थोड़ा सा ये ना पढ़ रहा हूँ थोड़ा बहुत जस्ट ऐसे ही टाइम पास। अभी भाई अभी मिसेज जैन कॉलेज में छोड़ गया हूँ और घर पर अभी मैंने मस्त ऑमलेट बनाई थी। कैसी ऑमलेट बनाई थी मैडम? एक नंबर। मामा आ रहे थे बोले भाई ऑमलेट खरवा रहे थे, तो 6 अंडा की ऑमलेट बनाई और गजब ऑमलेट बन गई। नहीं होता भाई, थारे भाई हाथ में एक शेफ भी है ना। अभी मैडम ने कॉलेज में छोड़ के और उसके बाद फिर मैं समझ गया होके यो रास्ता देख लो भाई, उन्होंने कहा माँ ये राहों हैं, ये बाड़े, ये अल्टो एक हम दे हैं हाड़े खा। बस भाई यो आ गया कॉलेज, देखो इतना पूरा कॉलेज है, यहीं पर हम पढ़े ओढ़ा। ले लिया राइट, अब उसके कॉलेज में गंगा, इसके अंदर स्कूल कॉलेज बी एड आर्किटेक्ट सब कुछ है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट काफी सारे डिपार्टमेंट है, डिप्लोमा भी है इसके अंदर। मैं भी यहीं से पढ़े आउट हूँ। चलो बाय बाय। चलो भाई अब चलते हैं वापिस अपने, मैडम को छोड़ दिया। इतने टाइम है ना, देखो भाई इस गली से निकलाता हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं आगे से जाके दिखाता हूँ कितना ज़्यादा रास्ता ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा रास्ता ख़राब है भाई। देख लो भाई ये ऑफ रोड है यहाँ का, देख रहे हो बहुत ज़्यादा डीप है भाई ये। क्या लद्दाख करेगा भाई यहाँ पे, अभी करता क्या ना ये सूरज मेरे को ऐसे ही परेशान करने वाला। देखो सामने से बिल्कुल और रोड पे आधा दिखाई देता है ये सूरज सामने से, जब लगता है बिल्कुल सामने। ये तो चलो भाई शुक्र है कुछ पेड़ है इस रोड पर, हे भगवान। भाई भी बार बार से पूछ लिया, पीछे दुकान थी उसकी और एक वेटिंग है, तो इस गाड़ी ने घर पर छोड़ के और फिर मैं लेके आऊँ, हाँ फिर मैं साइकिल लेके आ जाऊँगा इसके पास और फिर कटवा के बाल कटवा के और बस नहीं कटवाना हाँ फिर बाल कटवा के और फिर करना है, फिर नहा दूंगा अपने और फिर जिम का टाइमिंग देखूँगा मैं, या तो मैं भी शाम में 3 बजे जाऊँगा या फिर आज छुट्टी लग जाऊँगा। यो भाई गंजा करा है, गंजा करेगा भाई, ले भाई डाडी किसी रखा, बड़ी रखा, छोटी रखा, कैसी बात तू बता, तुम्हें छोटी होगी, छोटी छोटी कर दी है, देख लियो भाई। लियो भाई नहाया या भी हूँ और बाल देख लो कटिंग हो गई है गजब। भाई लोग पढ़ाई चल रही थी और तो थोड़ी भूख लगाई तो मैं थोड़ी मूंगफली खा लेता हूँ, टाइम भी अभी ऑलमोस्ट 1:30 बजने वाले हैं
तो भाई मूंगफली खा के फिर थोड़ी देर पढ़ के फिर अपना। भाई लोग अभी टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं और अभी बस आधे पौने घंटे में जिम के लिए निकलूंगा। अभी अपने मैं छोले और चावल खाऊंगा। अभी फिलहाल एक डाइट की है और बहुत तेज भूख लग रही है। फटाफट ये खा लूँ, उसके बाद मैं अपने मिलू हूँ डायरेक्ट जिम में। अब रास्ते में अभी ऑफिस में जा रहा हूँ भाई। दिन में मैं ऑफिस दिन में मैंने व्लॉग किया था, दिन में मैंने कहा था कि मैं 3 बजे के आसपास जिम में जाऊंगा, लेकिन मैं जा नहीं पाया। मैं पढ़ने लग गया, फिर मैं चलो बैठ के पढ़ता ही रहा, फिर मैं कुछ और किया नहीं। उसके बाद फिर मैं 4:30 बजे के आसपास अपनी वाइफ को लेके आया कॉलेज से। उसके बाद डायरेक्ट अब व्लॉग किया हूँ, मैंने व्लॉग किया ही नहीं दिन में। 12/2022 17 दिसंबर 2022 और सुबह सुबह का टाइम है, सुबह 9 बज चुके हैं और मैंने अपनी मिसिस को कॉलेज छोड़ दिया है और अब मैं डायरेक्ट घर पे जाके आ जाऊंगा जिम आज सुबह। देखो भाई 2-3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक जिम की टाइमिंग सेट कर लूँ, क्योंकि टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है उसके कारण जिम नहीं जा पा रहा। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि सुबह 9 बजे का मैं टाइमिंग बना लूँ अपना जिम का और सुबह 9 बजे डेली जिम में जाऊंगा। अब आज जाके कोशिश करूंगा, देखता हूँ जिम में जाके कितने बच्चे वगैरह मिलते हैं या फिर देखता हूँ या अकेला ही जिम करूंगा। देखो भाई वो खड़ा आज जो पहले माया खड़ा है, बस ये मैं गाड़ी खड़ी कर एक मिनट में घर पे। अरे गाड़ी का नंबर भी आ गया इसकी, कहा था आऊ एक मिनट में। पहले मैं खड़ा था वेट कर रहा था भाई, चलो गाड़ी ने बस पार्क करके यो आ गया अपना घर द सेक्सी होम। अब घर गाड़ी को अंदर घुसा गए और मैं डायरेक्ट अपना जी गाड़ी मिलूं। इसके अंदर चेक करो क्या क्या पड़ा है भाई। हाँ पड़ा है सब कुछ पड़ा है। राम राम ना गाड़ी ना लेके जाऊं। हेलो भाई कितनी देर होगी वेट करते ना, मतलब 5 मिनट। ये बैग में क्या है? अरे बाबा ठाणी पढ़ाई किया। और ब्रदर हाउ आर यू फीलिंग, कितनी चला दी भाई गाड़ी? 3123। कैसा फील हो रहा है? पुरानी फील आने लगी गाड़ी की। फिर नहीं लिया वा दूसरी लैनी? अरे एक ढोबल का पार्ट लेता यार, ढोबल लागे पाछे भी पुरानी फील आने लग गई है। कोलो में लाग बात ही आ भाई, नंबर प्लेट चढ़वा ली जाए हमारे पुरानी लाग गए। ठीक है जब तक नंबर प्लेट नहीं चढ़ रही थी तब तक नहीं लाग गया करती। ठीक है पुरानी लाग गए भाई। हां और बाकी देखिए भाई कटिंग किसी हो रही है? बढ़िया हो रही है भाई। जी हां आ गया ना भाई, देख इसे कटिंग करा कर अच्छा करो गाड़ी में, तू भी करा ले। सही कल रात ना भाई बैंकर जाडा था टेढ़ गई बैठन थी। अरे रात ना आया गाड़ी बलोर ना चलदा मेरी वाली में। अच्छा और बार ना खड़ी खड़ी गति वो तो क्या कह रहा है आइस चैम्बर बन गई, भयंकर काम हो गया। वो लोग नहीं स्टार्ट कर दी भाई दोबारा, दर्शक ने कहा कुछ सब्सक्राइब सब्सक्राइब करा है ना कर है चोरा के देन जोगे। पहले एक्सरसाइज ही करा भाई, वार्म अप जस्ट शोल्डर की लगावांगे राजे के साथ। एक्सरसाइज भाई मेरी तरह मैंने इन्वेंट करी है। फिलहाल मैंने तो कहीं देखा नहीं कोई करता अब तक, इसमें साइड लेटरल में चीटिंग 0 हो जा है।
देखो बिल्कुल जीरो चीटिंग, और जितना भी प्रेशर है सारा अपना साइड डेल्ट पावर है। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, एक बार करके देखियो इंक्लाइन बेंच पे। देखो ये स्टांस रहा वॉइस का, पांच का डंबल बहुत हैवी हो जाए इसमें, जो लोग न्यू कहे मैं 15 मार दियो, 20 का मार दियो, 7.5 का डंबल ठाक भाई भी 16 रैम मार दियो, नेगेटिव बहुत है इसमें। चलो एक्सरसाइज हो गया भाई कंप्लीट, मजा आ गया। काफी दिन के बाद भाई अपने गुरुजी के साथ एक्सरसाइज करके ना मजा आ गया है, और रोज रोज अकेले अकेले एक्सरसाइज भी ना होती अच्छे से। तो भाई वेरी वेरी थैंक यू गुरुजी। मैं देखो इस चीज में कोई शर्म नहीं होती, अगर आप किसी ने गुरु मान रहे हो उसको थैंक यू बोलने में, उसको राम राम करने में कोई शर्म नहीं है भाई, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गुरु तो गुरु वो है। इंस्पायर बाय तरुण गिल, ठीक है। बाकी भाई यह भाई की गाड़ी है, ओरा मस्त गाड़ी है एक नंबर की। इसका रिव्यू आपने बहुत जल्द दूसरे वाले चैनल पे देखने को मिल जाएगा। सीट बेल्ट लगा ही नहीं रहा भाई, क्योंकि सीधी सी बात है नहीं लगा रहे फिलहाल तो देख की जाएगी। बाकी यहाँ पे कुछ है नहीं, अपने सारे लोकल रोड है और कोई दिक्कत की बात है नहीं, अपने लोकल सामने लोकल में जिम है, लोकल में रोड अपना घर है। बाकी बताना भाई एक्सरसाइज आपने देखी होगी कैसी हुई कैसी ना हुई, पहले से कैसे हो रही, आपने 2-3 महीने के बाद आप देख रहे होगे मैंने कुछ फर्क पड़ रहा है ना पड़ रहा, फर्क पड़ रहा होगा, नीचे नहीं जा रहे होंगे कुछ ना कुछ। चलो चलते हैं जाकर डाइट वाइट ले आ यार। डाइट में क्या ले गुरु जी आप बताओ, जाते ही साइज गेन करना बम बनानी है दे एकदम बता दे भाई। लोग जिम से आके वापस ना आया, खाना खाया फिर रेस्ट कर रहा था थोड़ी देर, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठ गया था और रात में भी मैं लेट सोया था काफ़ी, 2 या 3 बजे 2:30 बजे के आसपास मैं सोया था, और सुबह थोड़ा जल्दी उठ गया था और अभी थोड़ा सोऊंगा। लेकिन आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, वो चीज़ ये है कि मतलब ये आपको मैंने बताया था मेरे ख्याल से पहले वाले ब्लॉग में 2-3 कुछ दिन पहले कि मेरा एक नया बिजनेस स्टार्ट किया मैंने पोल्ट्री फार्म का। तो पोल्ट्री फार्म का जो मैंने स्टार्ट किया है वो स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंटल मैंने अपने बैकयार्ड में डाला है, और वो बैकयार्ड हमारे घर से कनेक्ट है, तो जैसे ही गेट ओपन रह जाता है तो वो कुछ जो मेरे पक्षी हैं वो अंदर आ जाते हैं आगे की तरफ, तो उनको अब वापस भगा के आता हूँ मैं। अभी आए हैं बाहर के आवाज़ कर रहे हैं वो, उनको अब मैं भगा के आता हूँ भाई। यारी ये रहे, चलो 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 ये आगे देखो सारे, चलो दौड़ो। ये गेट बंद करना यहाँ से याद नहीं रहा, तो ये गेट बंद करेंगे तब ये सब ठीक होंगी। चलो चल तू भी निकल यहाँ से, चलो चलो निकलो सारे के सारे, चलो बेटा चलो चलो चलो। हाँ ये रहे काफी यहाँ पे नीचे, और भी है पीछे बहुत सारे हैं। तो ये हैं अपने बिजनेस, ये ठीक है। मैं ये गेट बंद कर देता हूँ यहाँ पे ताकि ये अंदर न आए दोबारा। पानी नहीं रखा यार आज तो इनका, सुबह 2 यार का इनका पानी नहीं रखा, मैं पानी डाल देता हूँ इनके में। ये डब्बा रखा है इसमें पानी कम ही है, थोड़ा सा पानी पड़ा है बस, हाँ थोड़ा सा पानी पड़ा है। इस वाले डब्बे में डाल देता हूँ मैं पानी अब, हाँ इस वाले डब्बे में डाल देते हैं पानी, मैं पानी डाल देता हूँ बाद में मिलता हूँ आपसे। तो वहाँ पे उनका पानी डाला, वो पानी पी रही है सारी,
और यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये मुर्गी बैठी है अभी, यहाँ पे अंडा देगी। ये सारी इन्हीं की लगा रखी है, तीनों के तीनों लाइन में यहीं पे अंडा देती हैं सारी। ये इनका रहने का, इन मुर्गियों की ना एक खास बात है, ये है ना बांस के ऊपर बैठती हैं, जमीन में नहीं बैठती हैं ये, या तो वहाँ पे बैठेंगे ऊपर या फिर यहाँ पे बैठती हैं। इनकी गर्मी के लिए मैंने दो बल्फ लगा रखे हैं, एक उस कोने में है और एक ये दो बल्फ हैं, ताकि इसके अंदर थोड़ी सी गर्म बना रहे रात में ये, ताकि ये सारा यहीं पे अपना फ्री रेंज रहते हैं पूरा दिन। वहाँ पे इनके लिए सब्जियाँ वगैरह उगा रखी हैं सारी, काट के इनके आगे डाल देते हैं, ये खा लेती हैं फिर इसको, हरे चारे को बड़ा खुश होकर खाते हैं ये सारी। तो भाई शाम के 4:30 हो गए हैं, पूरा दिन आपने देख लिया, पूरा दिन कुछ खास काम किया नहीं, बस थोड़ा बहुत तो ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाया। जिम से सुबह लेट आया घर पे, जिम से सुबह मैं ऑलमोस्ट 11:30 11:30 के आसपास मैं जिम से वापस आया, उसके बाद नहाया, खाना खाया, उसमें ऑलमोस्ट मेरे को 1 बज गया क्योंकि थोड़ा बहुत बैठ भी गया था आराम से। तो 1 बजने के बाद फिर मैं थोड़ी देर सो गया था, 2:30-3 बजे मैं उठा आराम से, और उसके बाद फिर आज ज़्यादा पढ़ नहीं पाया मैं, फाइनल बात ये है। चलो कोई नहीं भाई, आज रात में कवर कर लेंगे उस सारे सब्जेक्ट्स को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अभी बस लेने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि शाम के ना 4:45 हो गए हैं, उसके बाद फिर मेरे को भी उसके बाद ऑफिस में जाना है। ये मेरा ना ज़्यादा दिन अभी ये काम है नहीं रात का, मे भी 3-4 दिन और रहेगा इतना हैवी वर्क, उसके बाद मेरा प्लांट मतलब ज़्यादा सर्दी होने के कारण बंद हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी मेरी। चलो 3-4 दिन की बात है, कोई नहीं खींच लेंगे, क्या फर्क पड़ता है यार। बैठा था भाई काफ़ी देर से काम कर रहा था, ये लिस्ट वगैरह थी, काफ़ी लिस्ट वगैरह थी, 2-3 महीने के लिए प्रॉफिट वगैरह की लिस्ट थी, काम वगाम की अपनी वो सारी निकाली हैं। काम पेंडिंग हो गया था, कुछ रीजंस थे, रेट वगैरह क्लियर नहीं हुए थे पीछे के काफ़ी टाइम से, तो वे जैसे क्लियर हुए मैंने अपनी सारी लिस्ट वगैरह रेडी कर दी है आज, ये सारी निकाल दी। अब मैं थोड़ा सा और काम करूंगा, उससे पहले ना ये वाला व्लॉग एडिट करूंगा, मैंने दो व्लॉग आप लोगों ने इकट्ठे देखे हैं, ये एक कल वाला और एक आज वाला, 16 और 17 तारीख का आपने लोगों ने ये इकट्ठा व्लॉग देखा, जिसमें मैंने जिम भी कर ली, काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। तो बस इसी नोट के साथ इस बात को ना यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे, और एक बात और बता दूं मैं आप सबको कि ये ना, चलो छोड़ो अगले वाले व्लॉग में बात करेंगे इस बारे में। अगर आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, यहाँ तक इस व्लॉग को देखा है, तो भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और मिलते हैं कल आपसे फिर एक नई वीडियो में, एक नई दिन के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।